देखो आनंद हमारा बहुत बड़ा बजट है, हमारा समाज से बिल्कुल संगठित हो चुका। जो 70 साल तक हमारे समाज को जिस तरह से केवल वोट देने का अधिकार था, हमने राजनीतिक चेतना घर घर जाके रानी प्रदेश हमने बढ़ा रखा है। हम जाते हैं, हमारा संगठन बिल्कुल मजबूत है। राजपूत रावणा राजपूत समाज ने संकट समिति बढ़ाई, जो आह्वान किया, जो आनंद पाल प्रकरण में सब भाई लोग हम साथ होकर जो चुनाव गया, हमने जो बिगुल बजाया, उसमें हमारा सरकार ने अनदेखी करने का परिणाम है कि आज 17 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर, 2 लोकसभा और 1 विधानसभा सीट पर हमने सुपड़ा साफ करा। और हम ये कहते जब 23 कुछ नहीं कर पाए तो चौथा हम 2400 मांडवगढ़ वाला क्या कर लेता, हमारा क्या भला सोच लेता। तो हमने मांडवगढ़ भी आ रही है चुनाव, और बहुतायत लोग तरह से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा समाज जो अब तक राजनीतिक रूप से दिशाहीन था, और उसमें राजनीतिक चेतना आई है, और हम निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये हालात पैदा कर देंगे मिलके, जो हमारी सर्व समाज संघर्ष समिति है, मिलके हम ये स्थिति पैदा कर देंगे। या तो सरकार समझ जाए, तो दोनों पार्टियों को कहना चाहते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों को विशेष तौर पर चेताना चाहते हैं कि सत्ता और संगठन में हमारी भागीदारी हो, और हमारी जो मांगे हैं 11 सूत्री और हमारी जो संघर्ष समिति की मांगे उनको पुरजोर तरीके से मान लिया जाए, वरना आने वाले समय में पार्टी को कहना चाहते हैं कि बसों में अपने दिखा दिया दम जीत गए हम। हम सब एक हैं, हम एक हैं, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, रणजीत सिंह सोडाला जिंदाबाद, सुखदेव सिंह जी को गए मेरी जिंदाबाद, रणजीत सिंह जी सोडाला जिंदाबाद, सुखदेव सिंह जी को गए मेरी जिंदाबाद, रणजीत सिंह जी सोडाला जिंदाबाद, सुखदेव सिंह जी को गए मेरी जिंदाबाद। हर जोर जुलम की टक्कर में देखो रावणा राजपूत समाज की जो अब तक स्थिति थी ना, वो ये थी खाली वोट देने का अधिकार था, उसको गुलामों की जिंदगी जी रहा था 1947 के बाद। आज का जो जीत का जश्न हुआ है उसमें सब समाजों का, सर्व समाज का साथ रहा है। लेकिन विशेष तौर पर रावणा राजपूत समाज को कहना चाहता हूँ, मेरे युवा साथियों को कहना चाहता हूँ कि ये जीत आप सबकी जीत है, और 70 साल तक जो गुलामी की जिंदगी जी रहे थे, आपने राजनीतिक चेतना जो आई है, युवा वर्ग ने जो राजनीतिक चेतना लाकर जो परिणाम दिया है, 17 विधानसभा सीटों में आपने जो परिणाम दिया है, उसके लिए हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं। और आपकी एकता और अखंडता, और आपने जो मुझे परिवार का मुखिया बनाया है, मुझे विश्वास रखा, उसके लिए धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। और आपका विश्वास सदैव मेरे साथ बना रहेगा, इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये बुलेट के जो बुलेट का जवाब था वो बैलेट से दिया है, सर्व समाज साथ है, और सब समाज पूरे मिलकर, और आपने देखा होगा बाप का घड़ा भर चुका है, उसका अंत होना बाकी होना था, जो हो चुका, चाहे डांगावास प्रकरण ले लो, SC समाज के साथ भी अन्याय किया गया है, उसके साथ के साथ आज राजपूत सभा भवन के हम बाहर खड़े हैं। इस सभा भवन के ऊपर जो चार्ज लगाया गया वो है, हमारे समाज का जो छात्रावास था उसको किस तरह से कैंसिल किया, वापस फिर उसको लागू रेगुलाइज किया गया। राजपूत और रावणा राजपूत समाज पे जो अन्याय किए गए उनका पुरजोर विरोध करते हैं, और रावणा राजपूत समाज के युवा विशेष तौर पे आप सावचेत रहना, हमारे ये संघर्ष की घड़ी की शुरुआत है, आपकी आजादी का दिन है, आज का दिन नोट कर लेना, और भविष्य में हम राजनीतिक रूप से संगठन और सत्ता में दोनों में भागीदारी चाहते हैं, वो हम लेके रहेंगे। रावणा राजपूत समाज को कहना चाहते हैं कि भटकाव की स्थिति में ना आए, कुछ जेचंद लोग हैं जो समाज को बेचना चाहते हैं, उन लोगों से बच के रहे। आज तक का जो नेतृत्व था वो नेतृत्वहीन था, ये समाज उसको नेतृत्व मिला है, और आज उसको वोट का अधिकार का सही उपयोग और सही दिशा मिली है। निश्चित तौर पे आपको कह सकता हूँ कि मैं फिर मेरे विश्वास के साथ आपको दिल विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरी माँ को मैं बेचूंगा तो समाज को बेचूंगा, ये बात तय है, और मैं इस पर दृढ़ निश्चय हूँ, चाहे मेरा बलिदान भी हो तो उसके लिए भी तैयार। रणजीत सिंह सोडाला जिंदाबाद।
रणजीत सिंह सोलारा जिंदाबाद।